हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बात डिटेल्स जानते हो। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा, सो देट आप इस जॉब का बात सारा चीज डिटेल्स में जान पाएं कि इस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इस जॉब में किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बात सारा चीज डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेमो पोस्ट दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट, वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर का पोस्ट है। आप इस फॉर्म को 8/7/2022 से 29/7/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी लास्ट 30/7/2022 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन 2/8/2022 से कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर 2022 में लिया जाएगा। पे मैट्रिक्स लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से 81,100 तक दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज मेल के लिए ओपन में 171 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए EWF के लिए 46 वैकेंसीज है। OBC के लिए 102 वैकेंसीज है। SC के लिए 86 वैकेंसीज है। ST के लिए 54 वैकेंसीज है। टोटल ओपन में 459 वैकेंसीज है। एक सर्विसमैन में अनरिजर्व के लिए 21 वैकेंसीज है। EWS के लिए 6 वैकेंसीज है। OBC के लिए 13 वैकेंसीज है। SC के लिए 10 वैकेंसीज है। ST के लिए 7 वैकेंसीज है। टोटल 57 वैकेंसीज है। डिपार्टमेंटल में टोटल 57 वैकेंसीज है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। फीमेल के लिए ओपन में टोटल 256 वैकेंसीज है। डिपार्टमेंटल में 28 वैकेंसीज है। ओके, एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 से 1/7/2004 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका एज इतना से इतना के बीच में है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अफकोर्स पर्सन को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अनरिजर्व को 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC 43 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के 45 ईयर तक के एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। विडो डाइवर्स्ड वुमेन अनरिजर्व 35 ईयर तक के एज के अप्लाई कर सकते हैं। विधवा और डाइवर्स्ड वुमेन 38 साल तक के एज के अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST 40 ईयर तक के एज के अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास होने चाहिए, विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ मैकेनिक ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोफेशनल अटेंडेंस प्रोफेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग नेचर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड पजेजिंग स्पीड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन ओपनिंग क्लोजिंग OPC प्रिंटिंग MS-OPC फ्यू फेज सेविंग एंड मॉडिफिकेशन इन टाइप टेक्स्ट पैराग्राफ फिटिंग एंड न्यूमेरिक एटसेट्रा। NCC होल्डर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। NCC फी सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स को 5% का इंसेंटिव दिया जाएगा। NCC बी सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स को 3% का इंसेंटिव दिया जाएगा। NCC ए सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स को 2% का इंसेंटिव दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी SC/ST एक सर्विसमैन को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे और इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, SBI चालान के थ्रू कर सकते हैं।
लास्ट पेमेंट 30 फाग 2022 तक कर सकते हैं। फेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। कर्नाटका एंड केरला रीजन में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। नॉर्थन रीजन में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। साउथर्न रीजन में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। वेस्टर्न रीजन में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। जो भी फ्रेंड्स आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा। फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस स्पीड 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट्स में। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ओके, ऑल कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन शैल बी पुट थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर्स ड्यूरेशन टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट सेंटर्स। एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का होगा। सीबीटी एग्जामिनेशन में 108 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स। इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होगा रॉन्ग आंसर के लिए। इस एग्जामिनेशन को आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स एटसेट्रा से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, सिलेबस, तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फॉर देट आप एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। केमिस्ट्री से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स से, नॉन टेक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स एटसेट्रा से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, मेल कैंडिडेट 30 साल तक की एज के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग करना होगा 7 मिनट्स के अंदर। लॉन्ग जंप 12.5 फीट करना होगा। हाई जंप 3.5 फीट करना होगा। 30 से 40 ईयर तक के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 11.5 फीट करना होगा। हाई जंप 3 1/4 करना होगा। 40 साल से एबव कैंडिडेट्स को 1600 मीटर 9 मिनट्स में करना होगा। रनिंग लॉन्ग जंप 10.5 फीट करना होगा। हाई जंप 3 फीट करना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स को 30 साल तक के कैंडिडेट्स को 800 मीटर रनिंग करना होगा 5 मिनट्स के अंदर। लॉन्ग जंप 9 फीट करना होगा। हाई जंप 3 फीट करना होगा। 30 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स को 800 मीटर 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 8 फीट, हाई जंप 2.5 फीट करना होगा। 40 साल से एबव कैंडिडेट्स को 800 मीटर 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 7 फीट, हाई जंप 2.5 फीट करना होगा।
फिजिकल मेजरमेंट, मिनिमम हाइट मेल के लिए 170 फीएमएफ होने चाहिए, रिलैक्सेशन 5 फीएमएफ तक का दिया जाएगा जो कैंडिडेट हिली एरियाज पे बिलोंग करते हैं और एसटी पे बिलोंग करते हैं। ओके, चेस्ट का एक्सपेंशन 81 टू 85 फीएमएफ के बीच में होने चाहिए, 5 फीएमएफ तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कैंडिडेट हिली एरियाज पे बिलोंग करते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 157 फीएमएफ होने चाहिए, 5 फीएमएफ तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो हिली एरियाज पे बिलोंग करते हैं। डेट इज ये प्लेफेफ यहाँ पर मेनफन फे। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड, बेटर आइज फिक्स बाय फिक्स होने चाहिए विदाउट ग्लाफ, खराब आइज फिक्स बाय 30 फिक्स होने चाहिए विद ग्लाफ। ओके, फिक्स बाय 9 और फिक्स बाय 12 विदाउट ग्लाफ बोथ आइज। ओके, द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, कैंडिडेट कलर ब्लाइंडनेस से फ्री होने चाहिए। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स इस जॉब का बात सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। हाउएवर किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।